नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारे देश में लाखों लोग ट्रेन में रोजाना सफर इसलिए करते हैं क्योंकि किसी को अपनी बेटी को परीक्षा दिलवाने जाना है, किसी को बहन या बुआ को ससुराल छोड़ना है, किसी को माँ का सहारा बनना है। लेकिन कारण जो भी हो, हर बार चिंता एक ही होती है, ट्रेन में असुरक्षा की चिंता। इसी असुरक्षा के कारण बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी महिलाओं को अकेले ट्रेन में सफर करने से आशंकित रहता है। उन सब लोगों को आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जो ऐसे माहौल में दिया बनकर पिछले दो दशक से रोशनी फैला रही है। चलिए हमारे साथ मुंबई के सफर पर। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब से हम रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। बाजू से ट्रेन गुजरती थी तो उसकी व्हीसल और स्पीड मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तब से ही मैं सोचती थी कि मैं भी कभी ट्रेन चलाऊं। ये बेटी है मुंबई लोकल की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर मुमताज काजी काठावाल। मुंबई की चकाचौंध और आर्थिक दुनिया से दूर मुमताज प्रतीक है जमीनी बदलावों का, विकास की रफ्तार के साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन का। सबसे पहले एक्चुअली सपोर्ट घर से होना चाहिए और मैरिज होने के बाद हस्बैंड का भी अच्छा सपोर्ट रहा और जहाँ मैं काम करती हूँ सभी स्टाफ का बहुत अच्छा, कलीग्स लोग का अच्छा सपोर्ट रहा। ग्लैमर और व्यापार के गढ़ मुंबई में एक मुस्लिम लड़की ने आज से 30 साल पहले जब ये सपना देखा था तो इसे हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन था। पहली बार किसी लड़की ने रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठने का साहस दिखाया था और 1991 में असिस्टेंट ड्राइवर बनकर मुमताज ने अपने साहस भरे सपने को हकीकत में बदल लिया, एकदम फिल्मी कहानी की तरह। 1991 में मैं डीजल असिस्टेंट ड्राइवर में आई, फिर 94 में इलेक्ट्रिक असिस्टेंट ड्राइवर बनी, फिर 97 में डीजल शंटर बनी, 98 में इलेक्ट्रिकल शंटर बनी, 2001 में मैं डीजल गुज ड्राइवर बनी, 2002 में कॉम्बाइंड डीजल प्लस इलेक्ट्रिक गुज ड्राइवर बनी और 2005 में मैं मोटरमैन बनी। भारत ही नहीं, मुमताज एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। अभी सबर्बन में मैं अकेली लेडीज मोटरमैन हूँ, सेंट्रल रेलवे सबर्बन बॉम्बे में। मैंने DMLT किया है लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट था और इसका एडवर्टाइजमेंट 1988 में आया था तो मैंने ये फॉर्म भरा था और 89 में मेरा इसका रिटर्न टेस्ट हुआ। उसके बाद साइकोलॉजिकल एग्जाम हुआ, फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ, मेडिकल हुआ, सभी में मेरा मेरिट में बहुत अच्छा नंबर था और उसके बाद मैं 1991 में ज्वाइंट हुई। एशिया महाद्वीप में भारत का महत्व अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, ऐसे में एक साधारण से ट्रंक ऑपरेटर की बेटी पूरे एशिया में भारत का गौरव बढ़ा रही है। सही वक्त पर सही कदम उठाने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो रफ्तार वक्त की मांग। रोज पीक आवर्स में भीड़ तो रहती ही है, एक एक सिग्नल, कोई भी सिग्नल को स्किप नहीं कर सकते, बराबर सिग्नल एस्पेक्ट फॉलो करना पड़ता है। इसी में मेरा सपना भी पूरा लगता है, इसमें भी तो अच्छा स्पीड 100 की स्पीड से हम चलाते हैं सीमेंस भी। 1995 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुमताज को जगह मिली तो दूसरी बेटियों ने भी इस क्षेत्र का रुख किया। लड़कियां चुनती है लेकिन मैं बहुत जगह पे ऐसा गई हूँ, जैसा कितनी बार मुझे स्कूल्स में भी बुलाते हैं कभी कभी तो पहले ड्राइवर ऐसा सुन के ही वो लोग एकदम जैसा डर जाते हैं, वो लोग हाथ ही ऊपर नहीं करते कि किसको बनना है। मैं बहुत लोगों को देखा लेकिन तो भी अभी 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 आ रहे हैं लेडीज लोग, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब आ रहे हैं। इंसान ने कभी डरना नहीं चाहिए, ऊपर वाला अपने को संभालने वाला है ही तो उसको हमेशा याद करना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना चाहिए। आशंकाओं के बादलों में उम्मीदों का आसमां दिखा रही ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मुमताज काजी काठावाल ने रेलवे की परीक्षा पास की, इस क्षेत्र में दूसरी बेटियों के लिए ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर बैठने के अवसर खोले तो जरूर देखिए हमारे साथ शनिवार रात 9:30 बजे आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजो। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर एक साथ।